हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लाइम एंड मोर्टार। सबसे पहले देखते हैं कि लाइम क्या होता है। देखो, पहले ना पुराने टाइम पे क्या होता था कि जहाँ कहीं पे भी हमें कोई भी एक सीमेंटियस या बाइंडिंग प्रॉपर्टी देनी होती थी इन कंस्ट्रक्शन, तो हम लाइम का यूज़ करते थे। लाइम बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये अमरफस मटीरियल है। अमरफस मटीरियल मतलब ये एक नेचुरल अकरिंग मटीरियल, नेचुरली मिलता है आपको नेचर में। आप इसको एक स्टोन की तरह निकालते हो तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट की तरह निकलता है, मतलब CaCO3 की फॉर्म में निकलता है। ओके, तो आप बोल सकते हो लाइम यूज्ड द पास्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मशीनरी ऑफ मोर्टार, टूडे सीमेंट हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड इट फॉर द पर्पस। ये बोल सकते हो कि आज के टाइम पे हम इसको मैक्सिमम जगह यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लाइम को ही अपग्रेड करके ही तो आपने सीमेंट बनाया है ना। तो हम लाइम के डिटेल में देख जाएंगे कि लाइम होता क्या है, किस तरीके से होता है, कितने तरीके का होता है। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द फिनिशिंग और पुट्टिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि पुट्टी जो करवाते हैं उसमें और फिनिश देने के लिए, सरफेस को फिनिश देने के लिए आप लाइम का आज भी यूज़ करते हो। ओके, इंटीरियर में ही मैक्सिमम इसका यूज़ किया जाता है। लाइम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लाइम स्टोन, लाइम स्टोन से आप लाइम को बनाते हो। अब मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ नोन एज द लाइम स्टोन। लेकिन जब हम लाइम स्टोन निकालने जाते हैं तो सिर्फ हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलेगा, आपको एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी मिलेगा और आपका सिलिकेट भी मिलेगा। तो ये आपको वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में मिल सकते हैं। आप बोल सकते हो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलती है। ओके, ये भी प्रेजेंट होगा। ओके, लाइम्स क्लासिफाइड एज नॉन हाइड्रोलिक। लाइम को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो नॉन हाइड्रोलिक और एक हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। इन डिटेल अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली, अगर मैं समझाऊँ कि नॉन हाइड्रोलिक क्या होता है और हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है। देखो, नॉन हाइड्रोलिक जो लाइम होता है ना, वो हार्ड नहीं होता है विदाउट एयर बीइंग प्रेजेंट। अगर आप बोल सकते हो कि ये मेरा नॉन हाइड्रोलिक लाइम रखा हुआ है, ठीक है, तो बोला है कि जो आपका नॉन हाइड्रोलिक लाइम है डू नॉट हार्डन विदाउट एयर, मतलब ये इसको अगर आपने इसमें पानी मिला दिया और इसको अगर एयर से दूर रख दिया, इसको टाइट किसी बॉक्स में बंद कर दिया जहाँ पे एयर ना जा सके, तो ये जो लाइम होगा वो कैसा नहीं बनेगा, दोबारा से वो सूखेगा नहीं, दोबारा से वो हार्ड नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है उसको सूखने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, नॉन हाइड्रोलिक लाइम को सूखने के लिए ज़रूरत होगी एयर की, ठीक है। तो एग्जांपल आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉन हाइड्रोलिक लाइम अंडर सी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोलिक लाइम आपको यहाँ पे अंडर सी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉन हाइड्रोलिक अगर हमने लाइम यूज़ कर लिया तो वो सूखेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होगी। तो जो भी नॉन हाइड्रोलिक लाइम होता है वो बिना एयर के सूखता नहीं है, हार्ड नहीं होता है, डू नॉट हार्डन विदाउट एयर बीइंग प्रेजेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में मैग्नीशियम कार्बोनेट कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी आपको यहाँ पे एल्युमिनियम, कभी कभी सिलिकेट, ये सब इम्प्योरिटीज़ आपको लाइमस्टोन के साथ में देखने को मिलेगी। बनाते कैसे हैं लाइमस्टोन, देखो आप गए, आपने वहाँ से खोदा तो आपको CaCO3 आपने खोदा, इस CaCO3 को आपने क्या किया, कैल्सिनेशन किया। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर में अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करता हूँ, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ, तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 मिलती है ना, CaO प्लस में CO2 मुझे यहाँ पे गैस मिलती है। तो जो CaO मिला ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो मिली मुझे, उसको मैं एक और नाम से जानता हूँ, वो नाम है उसका क्विक लाइम। ओके, अब क्विक लाइम का एक बोल सकते हो कि एक रिएक्शन होता है जिसको हम स्लेकिंग बोलते हैं। स्लेकिंग क्या होता है, देखो स्लेकिंग का बेसिक मतलब होता है कि पानी से रिएक्ट कर देना, क्योंकि अब CaO मेरे पास में आ गया, मैं गया, मैंने CaCO3 जमीन से निकाला, उसको गर्म किया तो CaO प्लस CO2 बचा। अब जो CaO मैं लेके आया उसको मैंने क्या किया, 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और उसके बाद में मुझे यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 900 पे करने के बाद में CaO मिला। अब मुझे इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना सीधा पाउडर लगा देंगे, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा किसके साथ में, H2O के साथ में। जब मैंने CaO को H2O के साथ में ऐड किया तो एक प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस का नाम होता है स्लेकिंग। स्लेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन स्लेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे मुझे मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल दो हाइड्रेट्स ऑफ लाइम, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम भी बोल सकते हो या स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम देखेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ लाइम कैसे होता है, व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ लाइम, ठीक है। लाइम इंटेंटेड टू बी यूज्ड इन मोर्टार इज यूजली स्लेक्ड इन अ बॉक्स। इसका मतलब क्या है, देखो कि जो सबसे पहले मैं आपको मोर्टार से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मोर्टार क्या होता है पता है ना आपको, मोर्टार होता है, देखो लाइम तो आपको समझ आ गया लाइम क्या होता है, और सीमेंट हमने पढ़ ही लिया था। मोर्टार क्या होता है, मोर्टार होता है जब आप लाइम के साथ में लाइम प्लस में सैंड मिला देते हो, प्लस में वाटर मिला देते हो, इन तीनों के मिक्सचर को हम मोर्टार बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि लाइम इंटेंटेड टू बी यूज्ड इन मोर्टार इज यूजली स्लेक्ड इन अ बॉक्स। अगर आपको मोर्टार के लिए लाइम को यूज़ करना है तो आपको एक डब्बा लेना है, डब्बे लेने के बाद में, एक डब्बा ले लिया, डब्बा लेने के बाद में इसमें क्या करना है, इसमें आपने जो लाइम आपने CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए थे उसको इस डब्बे के अंदर डाल दिया। डालने के बाद में इसमें क्या डाल दिया, इसमें वाटर डाल देना है। क्या डाल देना है, वाटर, आपने इसमें पानी डाल दिया है ना, स्लेक कर दिया, पानी डालने का मतलब स्लेक कर दिया। द मिक्सचर ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर इज स्टारिंग अंटिल द थिन पेस्ट, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एक डंडा लेना है और उस डंडे से इस पेस्ट को घुमाना है। इस पेस्ट को क्या करना है, रोटेट करना है, बार बार घुमाते जाना है। कब तक घुमाना है, जब तक आपको क्या ना मिल जाए, एक थिन पेस्ट ना मिल जाए, टिल देन आपको इसको क्या करना है, डंडे से घुमाते रहना है पानी को, और जो आपने लाइम लिया था उसको घुमाते जाना है। इस तरीके से घुमाना है कि आपको लास्ट में फाइनल एक थिन पेस्ट मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, जो आपको थिन पेस्ट मिलेगा ना, जो थिन पेस्ट मिलेगा उस पेस्ट को आपको क्या करना है, 5 से 10 सेंटीमीटर सॉइल के नीचे छुपा के रख देना है, या फिर बोल दो कवर करके रख देना है कि उसके ऊपर एक्शन ऑफ एयर ना हो, ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अब आपको अगर उसे मोर्टार के लिए यूज़ करना है तो आप विद इन अ वीक आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्लास्टर के लिए यूज़ करना चाहते हो लाइम को, तो आप उसे सीमेंट की जगह यूज़ करते हैं हम लाइम को, ठीक है। अगर आपके पास में सीमेंट सफिशियंट मात्रा में नहीं है तो यू कैन यूज़ इन मोर्टार, लाइम को यूज़ कर सकते हो, प्लास्टर के अंदर भी आप लाइम को यूज़ कर सकते हो। तो 6 वीक के अंदर आप प्लास्टर के लिए यूज़ कर सकते हो जो आपने वहाँ पे थिन पेस्ट तैयार किया था उसको। नेक्स्ट होता है सीजनिंग प्रोवाइड द होमोजीनियस मास। देखो जो आपने सीजनिंग करवाई ना, जो आपने इसको 5 to 10 सेंटीमीटर सॉइल, थिक सॉइल के अंदर इसको प्रोटेक्ट करके रखा, उसको सीजनिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपको होमोजीनियस मास मिलता है, मतलब एक इक्वल पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। तो आपको जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, वो आपकी बात है कि 1 वीक के अंदर आप मोर्टार के लिए यूज़ कर सकते हो और 6 वीक के लिए आप प्लास्टर के लिए यूज़ कर सकते हो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग स्लेकिंग, जब स्लेकिंग होती है, मतलब जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से मिलता है, ड्यूरिंग स्लेकिंग हीट इवॉल्व, तो एक बोल सकते हो गर्म भाप जैसी निकलती है, और जब भाप निकलेगी तो वॉल्यूम कितने टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ द लाइम है वो एक्सपेंड कर जाएगा 2.5 से 3 गुना है ना टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है। अब आपने हाइड्रेटेड कर दिया था, पानी डाल दिया था, तो आगे बोला है कि हाइड्रेटेड लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम या फिर मिल्क ऑफ लाइम इज प्रोसेसेस इन विच द लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। अब आपको इसको समझना है, इसमें ये बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, इसमें बोलना चाहते हैं कि अगर मैंने लाइम को पानी से मिला दिया तो उसको किस किस नाम से जानते हैं, उसको हाइड्रेटेड लाइम के नाम से भी जानते हैं, उसको मिल्क ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं, उसको स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके क्या होते हैं, नाम होते हैं, कि लाइम को डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप बोल सकते हो। हाइड्रेटेड लाइम का मतलब है पानी प्लस में CaO, स्लेक्ड लाइम है पानी प्लस में CaO, मिल्क ऑफ लाइम का मतलब भी है पानी प्लस में CaO। नेक्स्ट होता है फोर्स लेकिंग ऑफ 10 kg ऑफ लाइम। अगर आपने 10 kg आपने लाइम ले लिया तो उस 10 kg लाइम को स्लेक करने के लिए या फिर उसको कम्प्लीटली पानी से भिगाने के लिए आपको 3.2 kg ऑफ क्या चाहिए,
वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, याद रखना ये बात। वैसे ही हमने पहले देखा था सीमेंट के केस में, अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट के केस में अगर मैं बोलूँ कि सीमेंट को कितना चाहिए, तो वन बैग सीमेंट अगर मैंने आपको दिया जो कि 50 kg का होता है, तो 50 kg सीमेंट को कम्प्लीटली हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए होता है, 22.5 या 22.2 लीटर पानी आपको चाहिए होता है। लेकिन लाइम के केस में 10 kg, अगर 10 किलो आपको मैंने दिया लाइम, तो आपको 3.2 kg पानी चाहिए होता है टू कम्प्लीटली स्लेकिंग दिस थिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइम के अंदर कौन कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइम को जब निकाल के लाते हैं तो उसके अंदर डेप्थ में जाएं तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है आपका क्ले। क्या होता है भाई? क्ले होता है। क्ले बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसके अंदर। कैसे करता है अभी हम देखने वाले हैं, तो याद रखना है क्ले होता है। उसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उसके बाद में सल्फेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेजॉरिटी होती है, बाकी तो थोड़े थोड़े होते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर, अब देखेंगे हम किस किस तरीके के लाइम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइम की बात करते हैं। पहला तरीके का लाइम होता है जिसका नाम होता है फैट लाइम। क्या मतलब क्या है भाई फैट लाइम का, है ना? फैट लाइम का मीनिंग ही क्या है, तो अगर मैं आपको डेप्थ में जाके बताऊं तो फैट, देखो फैट मतलब भरा भरा, भरा भरा मतलब एकदम भरा भरा। अब भरा भरा का मतलब नहीं समझ आया, देखो मैं समझा देता हूँ। एक ऐसा लाइम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो, उसको हम फैट लाइम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल्सो टर्म्ड एज द प्योर लाइम या रिच लाइम या हाईली कॉस्टिक लाइम। देखो कॉस्टिक का मतलब क्या है, CaO, ठीक है, हाईली CaO प्रेजेंट रहने वाला एक लाइम। लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, क्ले, सिलिका, इन सब का एक क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम फैट लाइम बोलते हैं। फैट मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो, जो रिच लाइम हो, जो प्योर लाइम हो, प्योर मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो। उसके बाद चले तो इसकी जो प्योरिटी होती है वो 95% से भी ज़्यादा होती है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 95% से भी ज़्यादा होता है। क्ले जो होता है वो 5% तक हो सकता है। क्ले क्या होता है आपको पता है, मिट्टी होती है, जो बारीक मिट्टी होती है, जो सिल्ट क्ले जो हमने पढ़ा था सॉइल के अंदर, वो होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है 5% तक, टिल 5% आप बोल सकते हो। इसका अगर मैं कलर की बात करूँ फैट लाइम की, तो बिल्कुल एकदम रिच वाइट कलर होता है इसका। नेक्स्ट होता है ये विग्रस इन नेचर होता है। विग्रस इन नेचर का मतलब है व्हेन यू विल ऐड द वाटर इन दिस लाइम, फैट लाइम में अगर पानी डाला आपने तो ये विग्रसली अपने आप को रिएक्ट करवाएगा, ये बहुत जल्दी से रिएक्शन देगा, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग टाइमिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि ये रिएक्शन ही काफ़ी देर तक करेगा, तो इसकी जो सेटिंग टाइम होगा वो इंक्रीज हो चुका होगा। ये ज़्यादा प्लास्टिक होता है नेचर में, है ना, ज़्यादा प्लास्टिक होता है। क्यों होता है ज़्यादा प्लास्टिक नेचर में, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड्स की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। इसका वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होगा, 2 से 2.5 गुना इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शन करेगा, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। जब ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा स्टीम निकलेगी, जब ज़्यादा स्टीम निकलेगी तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं भाई इसको, इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे देखने की बात आती है ना, मतलब आपने देखा कि ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे धूप ऊप पड़ती हो, जहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें दिखती हो, तो ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे अपेरेंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता हो। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, बाहर आउटर मतलब उस घर के अंदर नहीं, घर के आउटर पार्ट को अगर आपको प्लास्टर करना है तो वहाँ पे एज अ प्लास्टर के फॉर्म में, प्लास्टरिंग के फॉर्मेशन में आप इसको यूज़ कर लेते हो। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिक लाइम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक होता है ना, तो ये है आपका हाइड्रोलिक लाइम। देखो क्या है हाइड्रोलिक लाइम, इसके अंदर क्या होता है कि क्ले की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ तक बढ़ जाती है, 30% तक बढ़ गई। तो अब क्ले बढ़ गया तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई होगी, ये रिएक्ट भी कम करता होगा। आराम से ये पानी डालो तो काफ़ी देर में जाके रिएक्शन होती होगी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। इसका जो कलर होता है वो ऑफ वाइट कलर होता है। इसका मतलब क्या है सर, ऑफ वाइट कलर का मतलब होता है कि ये थोड़ा धुंधला सफ़ेद दिखता है, मतलब मिट्टी जैसा, मिट्टी में अगर आप सफ़ेद कलर डाल दोगे तो वैसा कुछ कलर इसका दिखता है। ये लेस विग्रस इन नेचर होता है, मतलब इफ़ यू विल ऐड सम वाटर इन हाइड्रोलिक लाइम देन इट विल नॉट शो द रिएक्शन सडनली, ओके।
नेक्स्ट इज यूज वेयर द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज वहाँ करते हैं इंटीरियर्स में करते हैं इसका यूज, क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ क्ले. याद रखना है इसका वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी मिले. कैपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर और डैम्स लोकेशन, इसका मतलब है जहाँ पे नमी पड़े, है ना, डैम्प होता है जहाँ पे, और जहाँ पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो वहाँ उस लोकेशन में भी क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, आराम से बैठ जाता है, जम जाता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो स्टोन मशीनरी, अगर आपको एक स्टोन से एक स्टोन को जोड़ना है, अब आप बोलोगे क्यों भाई मैं लाइम क्यों यूज़ करूँ, वो भी हाइड्रोलिक लाइम क्यों यूज़ करूँ मैं सीमेंट क्यों ना यूज़ करूँ. तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आजकल नाउअडेज वी आर यूजिंग सीमेंट, बट पुराने टाइम पे हम लाइम यूज़ करते थे. तो उसका एक हिस्ट्री जैसा हम बोल सकते हैं कि हम देखते हैं और इसके अंदर से ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक किसी इमरजेंसी में अगर आप आ गए और आपको लाइम की नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर. ओके, तो ये आप बोल सकते हो कि अगर पत्थर को पत्थर से जोड़ने के लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं, इंटीरियर में आप इसका यूज़ कर सकते हो जिसमें क्ले की मात्रा 30% तक होनी चाहिए. आई होप यू गॉट द पॉइंट टिल नाउ. टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिक लाइम के भी टाइप होते हैं. अब हाइड्रोलिक लाइम मैंने बताया जिसमें क्ले की मात्रा 30% तक हो, ठीक है. तो पहला होता है अराउंड ऐसी हाइड्रोलिक लाइम जिसमें क्ले 8% हो, इसको बोलते हैं स्लाइटली हाइड्रोलिक. मतलब हाइड्रोलिक तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में, या स्लाइटली हाइड्रोलिक है. डज नॉट सेट अंडर वाटर, इसकी एक खास बात होती है, इसको अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो ये सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है. अगर आप इसने इसको किसी भी रिवर के अंदर या लाइनिंग बनाने के लिए यूज़ किया तो ये सेट नहीं होगा. रिएक्ट्स विद वाटर स्लाइटली लेट, और ये काफ़ी मतलब स्लाइटली लेट एज कम्पेयर टू योर प्योर या फैट लाइम, ये स्लाइटली लेट रिएक्ट करता है आपके वाटर के साथ में. अराउंड क्ले 15%, उसको बोलते हैं आप मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम, सेट हो जाता है पानी के अंदर इजीली. ओके, इजीली आपका पानी के अंदर सेट हो जाएगा, और ये सेट होने में दिन लेता है 15 से 20 दिन. याद रखना है पानी के अंदर की बात चल रही है, और इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो आप बोल सकते हो 7 से 8 घंटे में इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है. तो ये परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लेट मी हाईलाइट दीज थिंग्स वन सेकेंड. ओके, इस ये 8% है, ये 15% है, और 15 से 20 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट सेट होने में, 7-8 घंटे इनिशियल सेट होने में लगते हैं. इसको स्लाइटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं और इसको मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट, लेट्स मूव. ओके, कंटिन्यू टू हार्डन बट वेरी स्लोली, ये हार्ड होता है. अब जो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड क्ले अगर आपकी 25 से 30% हो उसको बोलते हैं एमिनेंटली हाइड्रोलिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. एमिनेंटली हाइड्रोलिक क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द क्ले प्रेजेंट हो, सेट अंडर वाटर इनिशियल सेटिंग टाइम फ्यू आवर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी पानी के अंदर सेट होने वाला जो लाइम है वो आपका यही है. क्ले जैसे जैसे बढ़ा रहे हो पानी के अंदर सेट होने का जो फ्रिक्वेंसी है या टेंडेंसी है वो बढ़ रही है. कम्प्लीटली सेट हो जाता है 2 से 3 दिन में, और फ्यू आवर्स में आपका इनिशियल सेटिंग हो जाती है. तो अगर कोई पूछे कि पानी के अंदर आपको कुछ बनाना है तो आप किस तरीके का हाइड्रोलिक यूज़ करोगे लाइम, तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक. ओके, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर क्ले 25 से 30% होता है. अब तीसरे तरीके का जो लाइम आता है वो आता है आपका पुअर लाइम. देखो पहला आया आपका कैसा, फैट लाइम, उसके बाद में आया हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम के बाद में आता है पुअर लाइम. पुअर लाइम में क्या होता है कि जो प्योरिटी होती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO की जो प्रेजेंस है ना, CaO की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम होती जाती है. प्योरिटी का मतलब यही है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज को बता रहे हो, प्योरिटी कम मतलब CaO कम. लेकिन क्ले जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्ले जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे इसको पुअर लाइम के नाम से जानते हैं. इसका जो कलर होता है वो कीचड़ जैसा होता है, मड जैसा, काला काला. डज नॉट अंडर गो स्लेकिंग, ये स्लेक इसका स्लेकिंग ही नहीं होता है, मतलब पानी डालोगे तो बहुत धीरे 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 काफ़ी दिन में जाके स्लेक होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा.
कहाँ काम लेते हैं ऐसे उसको, मतलब आप बोल सकते हो कि पानी आए लेकिन ये पानी से रिएक्ट ही ना करे, ऐसी कोई जगह बताओ। तो फाउंडेशन बनाते टाइम उसकी लाइनिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे यहाँ पे आप यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, आपने क्या किया सबसे पहले यहाँ पे फाउंडेशन बनाया। आप चाहते हो, ये आपका फाउंडेशन है, आप चाहते हो कि ये फाउंडेशन सुरक्षित रहे। नीचे पानी है, नीचे पानी है, आपको पता है अंडर वाटर है, यहाँ पे अंडर वाटर प्रेजेंट है। अब मान लो कभी फ्यूचर में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया, तो ये तो पूरे के पूरे घर के अंदर क्या कर देगा, नमी भेज देगा, पूरे के पूरे घर के अंदर नमी भेज देगा, तो सीमेंट अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी खो देगी। सीमेंट अगर अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी खो देगी तो एक टाइम पे आके बिल्डिंग क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो जब वाटर का इंक्रीमेंट होता है तो वो फाउंडेशन तक पहुँचे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, हम लेते हैं क्या, पुअर लाइम लेते हैं। और पुअर लाइम लेके क्या करेंगे, पुअर लाइम की हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लाइनिंग बना देंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन के अंदर जो लाइनिंग बनेगी वो पुअर लाइम की बनेगी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो फाउंडेशन की जो लाइनिंग होगी वो आपकी पुअर लाइम की होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो पुअर लाइम होगा वो कुछ नहीं होगा, नीचे जो फाउंडेशन होता है उसकी लाइनिंग दे दो। किससे देनी है लाइनिंग, पुअर लाइम से। और पुअर लाइम का मतलब क्या होता है, पुअर लाइम का मतलब है इसकी प्योरिटी, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस जो है वो 77% से कम हो, और क्ले जो है वो 30% से ज़्यादा हो, मडी कलर का होता है ये फाउंडेशन लाइनिंग में, इसका हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, लाइम की बातें होती है यहाँ पे ख़त्म, तो मैं फटाफट चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ अबाउट द लाइम। लाइम के बारे में हमने क्या क्या देखा, लाइम आपका क्या होता है, लाइम इज़ नथिंग बट द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, हमें इसको निकालना होता है। जब निकालने जाते हैं तो ये CaCO3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं जिससे हमें CaO+CO2 मिलता है, और जब CaO मिलता है उसको लेके आते हैं। अगर हमें यूज़ करना है, दो तरीके से यूज़ होता है, पहला तो आप मोर्टार के रूप में यूज़ करोगे, मोर्टार मतलब क्या होता है, ब्रिक्स को ब्रिक्स से जोड़ने के लिए जो पेस्ट की ज़रूरत होती है इसको आप एक वीक के अंदर आप इसको यूज़ करना होता है अगर आपने स्लेकिंग कर दी। अभी स्लेकिंग समझने वाले हैं, स्लेकिंग का मतलब होता है कि जो आपका लाइम है CaO है, अगर इसको मैं H2O के साथ में मिला दूंगा तो ये CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, और इसको ही बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्लेकिंग। मोर्टार अगर आपको यूज़ करना है तो इस स्लेकिंग के बाद एक वीक तक कर सकते हो, और प्लास्टरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो 6 वीक तक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे फिर हमने देखा था कि कितने तरीके के लाइम होते हैं, तो पहला तरीका हमने देखा था फैट लाइम होता है, जिसका नाम रिच लाइम होता है, जिसकी प्योरिटी 70% से ऊपर होती है, और वहाँ पे जो क्ले होती है बहुत कम, सॉरी 95% होती है रिच लाइम के अंदर या फैट लाइम के अंदर, और 5% आपकी क्ले प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमने देखा था वो कहाँ काम आता है, वो वहाँ काम आता है जहाँ हमें अपेरेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो कलर होता है बहुत अच्छा होता है। और दूसरा हमने देखा था हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम का बेसिकली नाम हाइड्रोलिक इसीलिए पड़ा कि वो जो होता है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन होते थे वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो पानी के अंदर बहुत जल्दी जम जाता था। उसके बाद में जो तीसरा हाइड्रोलिक में भी आपका जो एमिनेंटली होता है, स्लाइटली होता है, इस तरीके से देखा हमने। उसके बाद में तीसरा तरीके का जो लाइम देखा वो देखा पुअर लाइम। ये पुअर लाइम क्या होता है, ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करता है, तो इसको फाउंडेशन की लाइम लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वॉज द कम्प्लीट लाइम। लेट्स मूव फर्दर द मोर्टार। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोर्टार होता क्या है, है ना, मोटर को समझेंगे कि मोटर होता क्या है। देखो हमने क्या किया, हमको एक ईंट से ईंट बजानी थी, मतलब जोड़नी थी, ठीक है, ये ईंट थी, ये दूसरी ईंट थी, इसको इसको जोड़ना था, तभी तो बिल्डिंग बनेगी ना यार, ऐसे थोड़ी ना आप रख के आगे बिल्डिंग बन गई, ऐसे नहीं। आपको ईंट से ईंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है, स्टोन को स्टोन से कनेक्ट करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू स्टोन और टू ब्रिक टू समथिंग, तो आपको एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए ना जो बाइंड कर ले। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने लाइम यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ हमने CaO यूज़ किया होगा ना, जो भी आपका इंजीनियर रहा होगा उसने सोचा होगा यार CaO एक पेस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, उन्होंने यहाँ पे इसको डाला होगा, तो पता चला यार CaO सिर्फ डाल रहा हूँ तो बहुत महंगा भी पड़ रहा है और बहुत देर में सूख भी रहा है और फूल भी जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस CaO के साथ में जिसको लाइम नाम दिया, इसके साथ में सैंड डाली। अब सैंड कैसी डाली, सैंड डाली जो रिवर के साइड में मिलती है, क्यों,
क्यों ऐसा ही क्यों सैंड रिवर वाली क्यों डाली, जो आपके नदियों के पास में मिलती है, बीच पे मिलती है, वो क्यों नहीं डाली? क्योंकि उसके अंदर होते हैं केमिकल, तो केमिकल अगर मिल जाते हैं तो फिर एक अलग ही रिएक्शन निकलने लग जाएगी, तो इस वो वीक कर देगी आपके पूरे के पूरे बिल्डिंग को। तो वहाँ पे जो सैंड डाली गई वो रिवर के पास मिलने वाली सैंड को डाला गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में सैंड, दोनों चीज़ें आपको दे दी गई कि ये पकड़ो, इन दोनों को मिलाओ। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, सैंड को और लाइम को, तो आपके पास में जो चीज़ बन के आई है उसका नाम दे दिया हमने मोर्टार। अब टाइम निकलता गया, टाइम निकलता गया और मोर्टार का, लाइम का ज़माना ख़त्म हो गया। अब लोगों ने बोला कि लाइम को मारो लात। अब हम लाइम की जगह उन्होंने इन्वेंट कर ली एक चीज़ जिसका नाम दिया गया क्या, सीमेंट। लेकिन वो महंगी थी क्योंकि उसके अंदर लाइम भी था, एल्युमिनियम था, सिलिका था, मैग्नीशिया था, आयरन ऑक्साइड था, उसको गर्म भी करना होता था, डायरेक्ट नहीं निकलता था, ये आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल चीज़ थी। अब हमने क्या किया कि जो सीमेंट यूज़ किया उसके साथ में भी हम सैंड डालने लग गए, तो अब इन दोनों को भी मिला के क्या बोलेंगे, मोर्टार ही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, मोर्टार का मतलब हमें समझ आना चाहिए कि मोर्टार का मतलब होता है कि एक बाइंडिंग मटीरियल को अगर सैंड के साथ में मिला दिया जाए बाइंड करने के लिए, तो हम उसको हम बोलते हैं मोर्टार। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो है सैंड और एक है कोई भी बाइंडिंग मटेरियल। पुराने टाइम पे लाइम यूज़ किया जाता था, अब के टाइम पे सीमेंट यूज़ किया जाता है। लेकिन कई जगह आज ऐसा भी है कि कॉस्ट को कम करने के लिए आप सीमेंट को रिप्लेस कर देते हो, बहुत कम कर देते हो, और लाइम को ऐड कर देते हो। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप सीमेंट की अमाउंट को कम कर देते हो, लाइम की अमाउंट को इनक्रीज़ कर देते हो, चीज़ें कॉस्ट इफ़ेक्टिव आ जाती हैं, मतलब पैसा कम और रंग अच्छा आ जाता है। तो इस तरीके से की जाती है। तो मोर्टार दो जगह यूज़ होता है, एक बाइंडिंग के लिए, दूसरा कहाँ यूज़ होता है सोचो। दूसरा यूज़ होगा जब ये ईंट के, मैंने इस तरीके से ईंटों को लगा दिया, मान लेते हैं ये ईंटों को मैंने लगा दिया, लगाने के बाद में ये लगा दी ईंटें, ये लगा दी बढ़िया बढ़िया 5-6 ईंटें, लगाने के बाद में ये ईंटें ना दिखे यार, है ना, एक अच्छा सा एस्थेटिक लुक आना चाहिए। ये मैंने मोर्टार लगाया, ये मैंने मोर्टार लगाया, तो एक एस्थेटिक लुक आना चाहिए। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, मैंने वो मसाला उठाया, मसाला मतलब आपका मोर्टार उठाया, मोर्टार उठा के मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्लास्टरिंग कर दी। तो प्लास्टरिंग करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम, मोर्टार ही यूज़ करते हैं। प्लास्टरिंग से क्या होगा, ये अच्छा दिखेगा, क्या दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो प्लास्टरिंग करने के लिए भी आप मोर्टार यूज़ करते हो। आप प्लास्टरिंग के अलावा, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, प्लास्टरिंग के अलावा आप बाइंडिंग के लिए भी मोर्टार यूज़ करते हो। दो स्टोन को, दो ब्रिक को जोड़ने के लिए भी आप मोर्टार यूज़ करते हो। तो आप बोल सकते हो कि दोनों चीज़ों के लिए आप यहाँ पे मोर्टार यूज़ करते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम चलते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल या बुकिश चीज़ों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टरिंग की। देखो प्लास्टरिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था कि प्लास्टरिंग के लिए भी आप मोर्टार यूज़ करते हैं, प्लास्टरिंग के लिए भी आपको मोर्टार यूज़ करना ही पड़ता है। तो प्लास्टरिंग IS 161, ये बिल्कुल याद नहीं रखना आपको, 161 के अकॉर्डिंग की जाती है। क्या बोलती है 161, बोला है कि अप्लाइंग मोर्टार कोट ऑन अ सरफेस ऑफ वॉल और कॉलम्स, सीलिंग एटसेट्रा, इट गेट स्मूथ फिनिश, टर्म एज प्लास्टरिंग। मतलब आपको प्लास्टरिंग की एक डेफिनेशन बोलिए कि व्हाट इज द प्लास्टरिंग, अप्लाइंग अ मोर्टार कोट, एक मोर्टार बनाया आपने, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोर्टार। मोर्टार इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ लाइम बोल दो या सीमेंट बोल दो, प्लस में सेंट, प्लस में पानी, ठीक है, इसको बोलते हैं मोर्टार। तो मोर्टार का एक कोट लगा देना वॉल पे, मतलब आप बोल सकते हो दीवारों पे, कॉलम पे, सीलिंग पे, इससे क्या होता है कि स्मूथ फिनिश आपको मिलती है। ओके, स्मूथ फिनिशिंग मिलती है। मोर्टार यूज फॉर द प्लास्टरिंग मे बी लाइम मोर्टार। देखो जो प्लास्टर के लिए जो यूज़ किया जाता है वो तीन तरीके का मोर्टार हो सकता है। पुराने टाइम पे तो मैंने बताया कि लाइम मोर्टार ही यूज़ किया जाता था, फिर चीज़ें डेवलप हुई, लाइम से हम सीमेंट पे आ गए, तो अब हम सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं। लेकिन कई जगह कॉस्ट को इफ़ेक्टिव रखने के लिए हम लाइम प्लस में सीमेंट मोर्टार भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लाइम मोर्टार यूज शैल हैव फैट लाइम टू सेंड रेशियो 1:3। ये रेशियोज आपको बहुत याद रखने हैं कि आपको अगर प्लास्टरिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्लास्टरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो क्या, प्लास्टरिंग के लिए अगर आप यूज़ करने जा रहे हो लाइम मोर्टार, लाइम और मोर्टार पता है ना, लाइम प्लस में सेंड, तो आपको
फैट लाइम यूज़ करना पड़ेगा जिसकी प्योरिटी 95% तक होनी चाहिए, और सैंड यूज़ करना पड़ेगा, और उन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो फैट लाइम अगर आपने 1 किलो डाला है तो 3 से 4 किलो आपको डालना पड़ेगा सैंड। तो आप बोल सकते हो कि 1:3 या फिर 1:4 उनका रेशियो होना चाहिए फैट लाइम रेशियो सैंड का। ओके, तो लाइम मोर्टार समझ में आ गई। नेक्स्ट हाइड्रोलिक लाइम, इफ़ हाइड्रोलिक लाइम इज़ यूज्ड मिक्स प्रोपोर्शन लाइम और सैंड 1:2। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह मोर्टार बना रहे हो, अब आपको पता है कि हाइड्रोलिक लाइम कहाँ यूज़ करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम मोर्टार जो यूज़ करते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते टाइम पे जो रेशियो रहना चाहिए लाइम और सैंड का वो रहना चाहिए 1:3, 1:2। ओके, अब बात करते हैं कि सीमेंट और मोर्टार ऑफ 1:4 से 1:4 मिक्स वेरी कॉमनली यूज प्लास्टरिंग। ये तो बहुत कॉमन, अगर आप ये नहीं पता तो आप सिविल इंजीनियर के नाम पे धब्बा हो यार। सीमेंट और मोर्टार प्लास्टरिंग के लिए 1:4, मतलब क्या हुआ इसका कि सीमेंट लेके आए आप घर पे थे और घर वालों ने बोला कि यार प्लास्टर करवा रहे हैं, बताओ किस प्रोपोर्शन में हम सीमेंट को और सैंड को रखें। तो आप बोलोगे कि एक काम करो, 1 तसला डालो सीमेंट और 4 तसले डाल दो आपके सैंड के, या 5 तसले डाल दो और आप प्लास्टर कर दो, तो स्मूथनेस स्ट्रेंथ सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगी, दैट्स इट। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है टू कंबाइन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कंबाइंड करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, लाइम मोर्टार एंड द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार मैनी यूज वी कैन से द लाइम सीमेंट मोर्टार ऑफ द पोर्शन ऑफ सीमेंट रेशियो लाइम रेशियो सैंड। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर आपको कॉस्ट को कम करनी है तो सीमेंट लाइम और सैंड हम यूज़ करते हैं, किस रेशियो में यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो सैंड, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप जाते हो एक साइट पर और देखते हो यार कि सीमेंट की कमी है और पैसे की भी कमी है और आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी बनानी है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में? आप बोलोगे एक काम करो लाइम खरीद के लाओ क्योंकि वो सस्ता होता है। आप देखोगे किस तरीके का काम कर रहा हूँ मैं, आउटर तो रिच लाइम खरीद के लाओ। आप लाइम खरीद के लाओगे, उसके अंदर सैंड डालोगे, लाइम प्लस में सैंड डालोगे, किस रेशियो में? 1:2 में डाल दिया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लाइम और सैंड का एक मिक्सचर मिलेगा। और फिर आप बोलोगे चलो कितना सीमेंट है, थोड़ा सा सीमेंट निकालो बाहर। आप किस रेशियो में डालोगे आप लाइम सैंड को सीमेंट को? तो 1:6 से लेके 1:9 तक आप इसका रेशियो रख सकते हो सीमेंट का और लाइम और सैंड का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक प्रैक्टिकल या फिर एक यूज़फुल चीज़ है आपके लिए कि आप जाते हो आप देखते हो कि पैसे भी नहीं है और सीमेंट भी कम है, पैसे भी कम है सीमेंट भी कम है, उस कंडीशन में आपको स्ट्रेंथ करने के लिए आप किस तरीके का बाइंडिंग मटेरियल बनाओगे, कैसे बनाओगे, दैट इज़ द रियल लाइफ सिचुएशन जो आप फेस कर सकते हो जब आप बिल्डिंग बना रहे हो कि सीमेंट भी कम है आपके पास में और लाइम भी कम है, मतलब पैसा भी कम है और सीमेंट भी कम है और आपको स्ट्रेंथन देनी है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक द लाइम प्लस में सैंड, लाइम को सैंड में डालो, किस रेशियो में डालते हैं हम? 1:2 में, मतलब 1:2 में एक लाइम का परा, एक तसला आपने लाइम का डाला और 2 तसले आपने यहाँ पे सैंड के डाले, इस तरीके से आपने बना दिया तो आपके पास में आ गया लाइम और सैंड का एक मिक्सचर। अब आपके पास जितनी भी सीमेंट है उसका 1:6 और इसका 6 तसले, 1 तसला सीमेंट का और 6 तसले लाइम और सैंड के मिला दिए तो एक बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया। बहुत इंटेलिजेंटली आपको यार काम करना होता है, वैसे थोड़ी ना मजाक थोड़ी ना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग, अभी तक प्लास्टरिंग करी ना, उसके काम क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला चीज़ है, देखो सर सीधी सी बात है, इसके अंदर आप क्या करते हो, द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। ओके, कि बहुत एक स्मूथ सरफेस आपको मिले, अवॉइड द कैचिंग ऑफ डस्ट, मतलब बाहर से अच्छा दिखे। प्लास्टरिंग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं टू गुड अपेरेंस। ऐसा कोई ना स्ट्रेंथ वाला रोल नहीं होता प्लास्टरिंग का कि बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ देता है, नो, प्लास्टरिंग जो होता है वो एक लुक के लिए दिया जाता है। समटाइम इट मे क्रिएट सम स्ट्रेंथ, यू कैन से द कंप्रेस स्ट्रेंथ इट मे क्रिएट, बट मैक्सिमम टाइम इट विल नॉट। टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द रेन वाटर एंड अदर एटमोस्फेरिक एजेंसीज, जैसे कोई भी बाहर की कोई एजेंसी, हवा चल रही है, पानी आ गया तो अंदर तक स्टोन तक या ब्रिक तक पानी पहुँचने के लिए बड़ी आफत करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लास्टरिंग करते हैं। नेक्स्ट,
सरफेस अगेंस्ट द वर्मिट्स. वर्मिट्स क्या होते हैं? जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए. अब हम बात करेंगे ये यहाँ पे. देखो ध्यान से मोर्टार की बात. अभी तक प्लास्टरिंग की बात हुई थी, और प्लास्टरिंग के अंदर जो मोर्टार यूज़ किया जाता है उसकी बात हुई थी, लाइम की बात हुई थी, सीमेंट की बात हुई थी. अब यहाँ पे देखेंगे कि इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में किस तरीके का मोर्टार हम यूज़ करते हैं. तो पॉइंटिंग वर्क क्या होते हैं ना, पॉइंटिंग वर्क के अंदर अगर आपको मोर्टार यूज़ करते हैं वो होता है आपका सीमेंट मोर्टार, है ना, पॉइंटिंग वर्क के लिए. अब आपके दिमाग आएगा कि व्हाट इज़ पॉइंटिंग वर्क. तो देखो पॉइंटिंग वर्क क्या होता है. तो पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग वर्क का मतलब होता है कि एक ब्रिक है, इस ब्रिक को इस ब्रिक से जोड़ना है. तो जोड़ने के लिए जो मोर्टार लगेगा ना, उस मोर्टार को पॉइंटिंग मोर्टार बोलते हैं. तो जब ब्रिक्स को स्टोन को जोड़ने के लिए जो मोर्टार बनता है उसका रेशियो होता है 1:1, मतलब एक सीमेंट और एक को सैंड, या फिर एक सीमेंट दो सैंड भी चलेगा. तो ये काफ़ी अच्छा सीमेंटियस प्रॉपर्टी रखना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए इसका 1:1 या 1:2 रखते हैं. नेक्स्ट होता है ग्राउटिंग. ग्राउटिंग इज़ नथिंग बट कहीं से टूट फूट हो गई, अचानक से कोई चीज़ टूट गई, उसको रिपेयर करना है. तो उस केस में हम एक सीमेंट और डेढ़ आप सैंड रख सकते हो. डैम प्रूफ कोर्स या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन. अब आप बोलोगे कि डैम प्रूफ क्या बन होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि डैम प्रूफिंग होती है कि नमी ना पहुंचे. ऐसे केस में जो मोर्टार बनेगी उसमें एक सीमेंट होगा, दो सैंड होगा. क्लियर हो गई बात. उसके बाद देखेंगे कि प्लास्टर अगर आपको करना है तो उस ऊपर प्लास्टर करना है. हमने काफ़ी अभी प्लास्टर के बारे में बात की हमने. तो उसके केस में आप सीमेंट मोर्टार बनाते हो जो कि होता है 1:3 से लेके 1:4, जो कि अभी हम देख चुके थे. और आप गंटिंग करते हो. अब गंटिंग में हमेशा आपको लाइम मोर्टार यूज़ करना है, है ना. नाउअडेज वी आर यूजिंग लाइम मोर्टार ऑल्सो. गंटिंग क्या होता है वो भी सुनो ध्यान से. गंटिंग का मतलब होता है कि एक गन ले लेते हैं. गन मतलब आप बोल सकते हो कि एक इस तरीके का यहाँ से आपका कंक्रीट बाहर निकलता है, या फिर बोल दो कि मोर्टार बाहर निकलता है, ठीक है. और उस मोर्टार को आप यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या लगा दिए, लोहे के छोटे छोटे तार लगा दिए. अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मोर्टार चाहिए पूरे पे. तो आप सीधा जाके ऐसे डाल तो सकते नहीं हो, तो आप एक गन यूज़ करते हो जो कि पंप करती है मोर्टार को और इसके ऊपर डालना होता है. या फिर बोल दो कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है. मान लो आपको सीमेंट के पाइप बनाने हैं, तो एक वायर का आपने सीमेंट का पाइप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर आप मोर्टार डालना चाहते हो. तो आप क्या करोगे, एक ऐसी गन होती है या एक ऐसा फवारा होता है जिस जहाँ से आपका मोर्टार निकलता है. तो पीछे पाइप लगा होता है, वो पाइप जुड़ा होता है आपके मोर्टार निकालने की मशीन से. यहाँ से ये स्प्रे करता है. तो उसके अंदर आप हमेशा लाइम मोर्टार यूज़ करोगे जो कि 1:2 का होगा. जो मशीनरी वर्क होता है सुपर स्ट्रक्चर्स में, आपको पता है सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये तो सबको पता होता है. उसके अंदर हम सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं 1:3 से लेके 1:4 का. सेम चीज़ आ गया ना, दोनों चीज़ें सेम है. आप बोल सकते हो कि प्लास्टर में और मशीनरी वर्क जो होता है उसके अंदर भी आप बोल सकते हो कि सीमेंट मोर्टार ही यूज़ करेंगे. तो पॉइंटिंग वर्क समझ आया. दोनों में डिफरेंस समझना है कि मशीनरी वर्क और पॉइंटिंग वर्क क्या होता है. मशीनरी वर्क के अंदर होता है कि आप स्टोन वगैरह को तोड़ मरोड़ के डाल रहे हो, लेकिन जो बिल्कुल फाइन प्लास्टरिंग होती है, फाइन पॉइंटिंग होती है, उसके अंदर आप सीमेंट मोर्टार यूज़ करोगे, है ना. नेक्स्ट होता है आपका मशीनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर. देखो ये सुपर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आप मशीनरी वर्क कर रहे हो नॉर्मल ब्रिक के साथ में या सब स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हो. तो आप लाइम मोर्टार यूज़ करते हो तो 1:4 और 1:6 का यूज़ करते हो, और सॉरी सीमेंट मोर्टार, और लाइम मोर्टार यूज़ करते हो तो 1:2 से 1:3 का यूज़ करते हो. ये आपको याद रखना है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज़ द मटेरियल फॉर प्लास्टरिंग. क्या क्या चाहिए मटेरियल्स फॉर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के लिए क्या क्या चाहिए. लाइम मोर्टार इज़ यूजली अप्लाइड 3 coats. अगर आपको लाइम मोर्टार लगाना है प्लास्टरिंग में तो आपको वहाँ पर 3 coat लगाने होते हैं. पहला कोट पहले एक बार लगा दिया, फिर उसके बाद दोबारा लगा दिया, फिर उसके बाद में एक और लगा दिया. इस तरीके से आपको 3 coat लगाने होते हैं. वाइल सीमेंट मोर्टार इज़ अप्लाइड 2 से 3 coat. मतलब लाइम यूज़ कर रहे हो प्लास्टरिंग में तो 3 coat लगाने ही लगाने पड़ेंगे. यहाँ पे आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो. फॉर द स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी, वही बात है, स्टोन या ब्रिक दोनों में से. तो बात यहाँ पे ये समझ आती है कि सीमेंट के लिए आप 2 लगा सकते हो, लेकिन
आपने अगर लाइम यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे 3 कोटिंग करनी ही करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, फॉर कॉन्क्रीट सरफेस सीमेंट मोर्टार मे बी अप्लाइड 2 to 3 कोट्स. वही बात आ गई कि कॉन्क्रीट सरफेस है तो उसके ऊपर भी अगर प्लास्टर करना है तो 2 से 3 लगाने हैं, ब्रिक के ऊपर भी 2 से 3 ही लगाने हैं. फॉर कॉन्क्रीट बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉन्क्रीट के बने हुए, मैनी टाइम्स 1 कोट ऑफ द सीमेंट मोर्टार इज अप्लाइड, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर सीमेंट प्रेजेंट है, खुद अपने आप में कॉन्क्रीट बिल्डिंग ब्लॉक है. द फर्स्ट कोट प्रोवाइडेड मीन्स द गेटिंग लेवल सरफेस एरिया, पहली बार जो कोट देते हैं उसका मतलब होता है कि आप एक लेवल सरफेस एरिया ले रहे हो. द फाइनल कोट प्रोवाइडेड स्मूथ सरफेस, और जो आखिरी का कोटिंग देते हैं उससे स्मूथ सरफेस निकल के आनी चाहिए, लेकिन जो बीच वाली जो कोटिंग होती है उसको हम फ्लोटिंग कोट बोलते हैं. ठीक है, 3 अगर आपने यहाँ पे लेयर दी हैं तो जो बोल सकते हो कि जो पहली वाली लेयर होती है वो एक लेवल सरफेस देती है, उसके बाद में बाहर वाली बिल्कुल आपको एक बोल सकते हो कि स्मूथ सरफेस, जो यहाँ से कोई देखेगा तो उसको स्मूथ दिखे, और बीच में जो होती है वो आपकी फ्लोटिंग, ये बहुत बार पूछा गया है, फ्लोटिंग कोट बोलते हैं उसको, कोट मतलब लेयर. द एवरेज थिकनेस ऑफ द फर्स्ट कोट इज 10 से 15 mm. ठीक है, मतलब जब पहली कोट दी जाती है उसकी 15 mm तक तो थिकनेस होनी ही होनी चाहिए. सेकंड कोट की जो थिकनेस होनी चाहिए जिसको हमने फ्लोटिंग कोट बोला वो आपकी 6 से 8 mm के बीच में होनी चाहिए. द फाइनल कोट इज जस्ट, जो लास्ट की जो स्मूथनेस के लिए दी जाती है वो 2 से 3 mm की होनी चाहिए. इफ़ द सिंगल कोट इज़ यूज, इट इज़ थिकनेस कैप्ट 6 से 12 mm के बीच में आपको थिकनेस रख के आपको एक कोटिंग करनी पड़ेगी. अगर सिंगल कोट अगर आप कर रहे हो, अगर आप एक सिंगल कोटिंग कर रहे हो तो आपको 6 से 12 mm तक यहाँ पे कोटिंग करनी पड़ेगी. द मोर्टार यूज इन फॉर द प्लास्टरिंग वर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जो मोर्टार आपका प्लास्टरिंग वर्क के लिए यूज होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. पहला लाइम मोर्टार, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज कंसिस्ट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ लाइम सैंड दैट दोज मटेरियल आर केयरफुली ग्राउंड इन मोर्टार मिल. फैट लाइम इज रिकमेंडेड फॉर द प्लास्टरिंग वर्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग. नेक्स्ट होता है आपका सीमेंट मोर्टार. सीमेंट मोर्टार भी मैंने बताया कि जब आप सैंड के साथ सीमेंट मिला देते हो, कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ द क्लीन कोर्स एंड द एंगुलर रिवर सैंड. अब यहाँ पर ये बात आती है कि रिवर सैंड ही डालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डालना है आपको. द मटीरियल आर थोरोली मिक्सड इन द ड्राई कंडीशन बिफोर वाटर इज एडेड टू दैम. द मिक्सिंग ऑफ मटीरियल इज डन इन द वाटर टाइट प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर टाइट, पानी ना पहुँचे, वहाँ पे इनको मिलाया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द वाटर प्रूफ मोर्टार. एक ऐसा मोर्टार होता है जो वाटर प्रूफ होता है. दिस मोर्टार इज द वाटर प्रूफ एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 पार्ट ऑफ द सैंड प्लस में पल्वराइज्ड एलम. अब ये भी क्या है भाई, पल्वराइज एलम क्या है? अगर आपको एक ऐसा मोर्टार बनाना है जो कि वाटर प्रूफ हो, वाटर टाइट हो, जिससे पानी ना रसे, ऐसा मोर्टार लगाना है जहाँ पानी डंप बिल्कुल भी ना हो, नमी अंदर जाए ना, तो आप एलम लगाते हो. एलम क्या होता है? फिटकरी. एलम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, उसको पूरे का पूरा आप मोर्टार के अंदर मिला दो, फिर आप जो बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको एक बोल सकते हो कि मॉइस्चर अंदर आता हुआ नहीं दिखेगा. तो दिस वॉज द यू कैन से कम्प्लीट लाइम एंड मोर्टार. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो आपको जो जो याद रखना है मोर्टार के अंदर कि मोर्टार क्या होता है, मोर्टार मिक्सर होता है सीमेंट का और सैंड का, या बोल दो कि लाइम का और सैंड का. उसके अंदर जो रेशियोज़ याद रखना है वो कुछ रेशियोज़, या थिकनेस भी याद रखनी है आपको. फ्लोटिंग कोट की थिकनेस बहुत बार पूछी जाती है तो जो कि होती है 6 से 8. पहले कोट की थिकनेस सबसे ज़्यादा, दूसरे की सबसे उससे कम, और तीसरे कोट की जो थिकनेस होगी वो 2 से 3 mm थिकनेस होगी ओनली. ठीक है, सिंगल कोट देते हो तो आप बोल सकते हो कि 6 से 12 mm आपको सिंगल कोट का देना होता है. कहाँ देते हैं? जहाँ पे कॉन्क्रीट आप यूज़ करते हो, यहाँ पे देते हैं ना. फॉर कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स आपको सिंगल कोट देना होता है, लेकिन लाइम जहाँ पे मोर्टार यूज़ कर रहे हो वहाँ 3 कोट आपको देने ही देने पड़ेंगे. इन लाइम मोर्टार यू हैव टू अप्लाई 3 कोट्स. इन कॉन्क्रीट सरफेस द सीमेंट मोर्टार मे बी अप्लाइड 2 to 3, लेकिन फॉर द कॉन्क्रीट बिल्डिंग ब्लॉक्स ओके यू हैव टू अप्लाई ओनली सिंगल. और आपको मैंने थिकनेस बताई 6 से 12, और पहले की होती है आपकी 10 से 15, और 6 से 8 mm आपके सेकंड की, और जिसको फ्लोट बोलते हैं 2 से 3 mm आपकी फाइनल कोटिंग होती है जो स्मूथनेस प्रोवाइड करती है ओनली. तो
तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाले जो रेशियोज़ हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट कि पॉइंटिंग, मैंने आपको बताया कि जब एक ब्रिक को ब्रिक से मिला के उसकी शाइनिंग दी जाती है तो वहाँ पे सीमेंट 1:1 ओवरऑल। जहाँ पे देखो ध्यान से, मैं एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ। सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, और कहाँ है सीमेंट मोर्टार? एक येरा सीमेंट मोर्टार और एक येरा सीमेंट मोर्टार और एक येरा सीमेंट। मैक्सिमम टाइम हम सीमेंट मोर्टार ही यूज़ करते हैं क्योंकि लाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और सीमेंट भी काफ़ी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1:2, यहाँ पे भी 1:2, यहाँ पे 1:2 ही मान लो आप, ठीक है। और बचा क्या, ये थोड़ा सा अलग है, चलो इसको छोड़ देते हैं। और ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये तीनों सेम है। देखो ये तीनों सेम है, 1, 2 एंड 3। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंटिंग, ग्राउंडिंग और डैम्प प्रूफिंग, इनके अंदर जो सीमेंट यूज़ होगी वो 1:2 ही होगी बस, ओवरऑल ऑन एवरेज में। प्रिसाइज वे में याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। ग्राउटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क एंड डैम प्रूफ के लिए यू हैव टू यूज द 1:2 सीमेंट मोर्टार। नीचे आ जाओ, अगर मैं प्लास्टरिंग की बात करूँ और गंटिंग की बात करूँ, मशीनरी वर्क, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको 1:4, देखो 1:4 यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो 1:4 कहाँ यूज़ करना है? प्लास्टरिंग के लिए, गंटिंग के लिए और एज अ मशीनरी वर्क। मशीनरी वर्क क्या होता है पता है ना, ईंट को ईंट से, पत्थर को पत्थर से जोड़ने के लिए आपको सीमेंट 1:4 यूज़ करनी होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगर लाइम मोर्टार की बात करें तो आपको लाइम मोर्टार हमेशा बस एक ही चीज़ याद रखनी है, 1:2, दिस इज़ द कॉमन थिंग। तो देखो यार, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये लाइम हमेशा इस तरीके से याद रखना है। तो ऊपर वाला आप सीमेंट का याद रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीमेंट याद रखो कि पॉइंटिंग वर्क के लिए सीमेंट मोर्टार 1:2 है, और यहाँ पे भी 1:1 है तो 1:2 बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, डैम प्रूफिंग के लिए भी। तो प्लास्टरिंग के लिए कितना है? 1:4 है। गंटिंग के लिए 1:4 है। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के लिए 1:4 है। तो बेसिकली यही है, लाइम मोर्टार अगर आप यूज़ करोगे तो हर जगह 1:2 ही आपको यूज़ करना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि तीनों यूज़ करो, तो तीनों यूज़ करने के लिए आप लाइम और लाइम मोर्टार बनाओ, और लाइम मोर्टार का लाइम प्लस में सेंड करके आप क्या कर दो, 6:1 प्लस में यहाँ पे सीमेंट जो होगा वो 1 होगा और 6 टाइम होगा आपका लाइम प्लस में सेंड होगा। तो यही है ले दे के पूरे में, है ना, यही मेजर चीज़ आपको याद रखनी है। तो बाकी तो सारी चीज़ें बहुत छोटी, प्लास्टरिंग क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, तो बिल्कुल प्रिसाइज वे में याद रखने की जरूरत नहीं है। वट एवर आई टॉट यू दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुअर लाइम क्या होता है? जिसके अंदर CaO की कमी होती है। अराउंड क्ले आपकी 15% हो तो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम होता है। एमिनेंटली हाइड्रोलिक का मतलब होता है जो जमीन के, मतलब पानी के अंदर तुरंत सेट हो जाए। जितना ज़्यादा CaO कम होगा उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा क्ले बढ़ेगा उतना जल्दी ये नीचे पानी के अंदर सूख जाता है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। हाइड्रोलिक लाइम होती है, एक नॉन हाइड्रोलिक लाइम्स होती हैं, फैट लाइम होती है। ये बहुत पूछी जाती है कि व्हाट इज़ फैट लाइम, है ना, इसका नाम रिच लाइम भी होता है, प्योर लाइम भी होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी एवरीबडी, आपने समय निकाल के इसको देखा, एक बार नोट्स भी बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू वेरी मच।